बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप लोगों का। जब से ये सैलाब इफेक्टिव का सिलसिला शुरू हुआ है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाडी बलूचिस्तान ने रोज़ अव्वल से इस मुहिम को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है और हमने तकरीबन 20 से 25 कैंप्स अभी तक पूरे बलूचिस्तान में जितने भी फ्लड इफेक्टिव एरियाज़ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से हमने उसमें किए हैं। जो यहाँ डेरा बुकटी में हमारे वाडी के दो रोज़ा कैंप में हमें जितना यहाँ पे पता चला है, ताकि आपकी मीडिया के तौसुत से मैं लोगों को बता दूं, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, जितने हेल्थ सेक्टर्स है, जितने भी एनजीओज़ हैं, कि डेरा बुकटी के हवाले से यहाँ पर मलेरिया के बहुत ज़्यादा मरीज़ है, पेशेंट्स है उनके। यानी कल के डेटा के मुताबिक तकरीबन जो तहसील वाला एरिया है सर, उसमें तकरीबन 35 से 40% सिर्फ मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। बाकी साथ साथ उनका एक दो केसेस लिशमेनियासिस के भी रिकॉर्ड हुए। डेंगू का है बिल्कुल, लेकिन इतना नहीं है जितना कि मलेरिया का रेशियो है। मलेरिया का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो हेल्थ सेक्टर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वाडी बलूचिस्तान के तवसुद से, एक अवेयरनेस के थ्रू आपकी मीडिया के तवसुद से, कि यहाँ पर फोकस करें। डेरा बुकटी में बहुत मुतासर लोग हैं, यहाँ पे लापर लोगों का बहुत बड़ा मसला है। तो और हम खास कर मीडिया वालों का, डीसी साहब मुमताज़ कैथरान साहब का हम शुक्रगुजार है, जिन्होंने यहाँ पर हमें फैसिलिटेट किया। और बाकी जितने भी लोग हैं, यहाँ के सीओ साहब हैं, यहाँ की पब्लिक, सब ने हमें सपोर्ट किया और हमारा ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा।